केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक सभी आवास विहीन लोगों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को संचालित कर रही है। इस योजना में लगने वाली लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयों के लिए भी अलग से धनराशि दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। टिहरी जिले में इस योजना के तहत 480 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 132 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की धनराशि भी दी जा चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद के सभी 9 विकास खंडों में आवास विहीन लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। हमारे जनपद में 480 आवंटित हुए थे आवास, जिनमें से कि सभी की प्रथम किस्त रिलीज कर दी गई थी तत्काली, और जितने प्रथम किस्त रिलीज हुई थी उनमें से 132 लोगों की द्वितीय किस्त भी रिलीज हो गई है नियमानुसार, जिन्होंने अपना कंप्लीशन दिखाया है उस स्टेज तक का। तो फिलहाल प्रगति हमारी ठीक चल रही है और आगे भी हम इसको परस्यू कर रहे हैं ब्लॉक लेवल से और सभी वीडियो से। जाखणीधार विकास खंड के छोल गांव निवासी मंजू देवी ने बताया कि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास बनाने का सपना पूरा हुआ है। अब उनका परिवार पक्के मकान में रहेगा, जिससे बच्चों को सुविधा मिलेगी। बहुत परेशान थे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हूँ कि आज हमें मकान मिलेगी, हम घर रहना का खूब होगी, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हो जाएगा। वहीं छोल गांव के प्रधान त्रिलोक सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके गांव में 2020-21 में 2 आवास और 2021-22 के लिए 1 आवास स्वीकृत हुआ है। इसके तहत पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त 60,000 और अंतिम किस्त 70,000 रुपए भवन पूर्ण होने पर लाभार्थी को दिए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत भी 18,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत छोलों में 2 परिवार का चयनित हुआ है, ये हुआ है 2020-21 का, और 21-22 में भी एक परिवार का हो रखा है, उसके भी अभी तुरंत मतलब 1-2 महीने बाद उसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में गरीब आदमियों का बहुत बढ़िया हो रखा है ये, और जैसे पहले होता था पैसे मिल जाते थे मकान नहीं बन पाता था, आदमी पैसे खा जाता था मकान कभी नहीं बनता, अब तो सरकार ने ऐसे कर दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों को आवास बनाने के लिए अनुदान मिल रहा है। जिन लोगों के आवास नहीं है उनके लिए यह योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।